बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि कराची के अंदर भी उसका कैंपस और उसके साथ एक इस्लामाबाद के अंदर कैंपस मौजूद है। तो उसके अंदर सुबह शाम और वीकेंड और थर्ड ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कौन कौन कैंपस के अंदर कौन सा प्रोग्राम करवाया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म को कैसे सबमिट आउट करना है, इंशाल्लाह तमाम डिटेल के साथ हम बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके मेन फील्ड के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस करने को, बैंक का चालान पे करना हो या कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, तो आप घर बैठे एक ही कॉल पर हमारे व्हाट्सएप नंबर 03012027670 इस नंबर के थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ना आपको डॉक्यूमेंट एक्सेस करने पड़ेंगे, ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेगा, घर बैठे एक कॉल पर बात करनी है। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम्स को। यहाँ पे गुलशन अकबर कैंपस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दाखिल सुबह प्रोग्राम है, दाखिल सुबह शाम प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम जो है वो सुबह भी करवाए जाते हैं, ये शाम में करवाए जाते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है दाखिल सुबह शाम है, यहाँ पे बी ए बी कॉम बी एस के बाद मास्टर खाशमंद बी एस थर्ड ईयर में दाखिले हासिल करने वाले बी एस की डिग्री, मतलब 5 सेमेस्टर के अंदर 2 साल शाम प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ये एम फिल के प्रोग्राम है, एम एस के यहाँ पे पी एच डी प्रोग्राम है। अब सबसे पहले जो हदायत जो इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि वो कहते हैं मुतलका मजामिन में तरबेती फर्स्ट डिग्री 16 साल तालीम, मतलब ये जो सिर्फ और सिर्फ एम फिल और पी एच डी के लिए है सारा कुछ। एम फिल प्रोग्राम के लिए जो चलाना है वो 4000 रुपये है, फीस 5500 रुपये मुकर्रर है जिन लोगों ने, ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट है ऊपर मेंशन, और 3 CGPA अगर आपकी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, जैसे सर्च आउट करता हूँ तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक आउट करता हूँ तो हमें इनकी फीस भी जानना मस्ट है, क्योंकि हम लोग अप्लाई तो कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, हमारा एडमिशन भी हो जाता है, बट द थिंग इज दैट कि हमें फीस स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता कि हमारा एडमिशन तो हो गया, अब हम फीस स्ट्रक्चर कैसे पे करें। यहाँ पे आप देखें एडमिशन फॉल सेशन 2023। अब फॉल सेशन के अंदर जो 2023 है, इसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। जो ऑलरेडी एम फिल कर रहे, जो ऑलरेडी FSC पास कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर के अभी पेपर दे दिए हैं और सेकंड ईयर के अभी पेपर देने हैं वो लोग वेटिंग रिजल्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बैकएंड पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एडमिशन पोर्टल अवेलेबल है, यहाँ पे दूसरा पोर्टल भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें एडमिशन पोर्टल इवनिंग 2023, जैसे क्लिक आउट करता हूँ तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इवनिंग प्रोस्पेक्टस है, ये जो है वो दूसरा प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि हम लोगों ने इनको भी डिस्कस करना है और तमाम बातें कि जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एडमिशन 2023 यहाँ पे आपने क्लिक आउट करना है, जैसे इसके के ऊपर क्लिक आउट करेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट उर्दू के अंदर ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर, 19 मई लास्ट डेट है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हर प्रोग्राम का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉर्निंग प्रोस्पेक्टस इवनिंग प्रोस्पेक्टस की बात करता चलो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो कहता है एडमिशन फॉर्म मॉर्निंग विल बी अवेलेबल ऑन 3rd मई, मतलब ये जो फॉर्म है ये कल से अवेलेबल होगा। यहाँ पे फॉर्म का लिंक अवेलेबल होगा, आपने क्या करना है उस फॉर्म को ओपन करना है, ओपन करने के बाद अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को ऐड करके देन प्रोसीड करना है और देन आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड अप करनी है। आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन किसी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की होगी, अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सारे प्रोग्राम्स की डिटेल आपके सामने डिस्कस कर दी है, अगर मजीद भी कोई डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ हमसे कंसल्ट कीजिए। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।